हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ एटम। अभी तक अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में फील आना शुरू हो गया होगा, और इस लेक्चर से वो फील डबल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर रियली हम लोग केमिस्ट्री अच्छे से देखने जा रहे हैं। अभी तक तो थ्योरी पढ़ रहे थे, अब जाते हैं रियल में, जो केमिस्ट्री में जिसकी स्टडी होती है एटम्स के बारे में, उसके बारे में। अभी तक हम इतना जान चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बात किया था कि एटम्स जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, या बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं। क्या है कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, मतलब। और इसी को फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि एवरी मैटर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो वही पार्टिकल्स को जो था वो मैटर हम लोग एटम बोल रहे थे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अब ये सब पता था, बहुत दिनों से पता था। अब माइंड में ये सबके साइंटिस्ट का ये चल रहा था, जब सभी का बिल्डिंग ब्लॉक एक एटम ही है तो 118 टाइप के एलिमेंट है क्यों? एलिमेंट ऑफकोर्स आप जानते हैं, ठीक है, हमारे तरफ जो प्योर सब्सटेंस है उसी को प्योर सब्सटेंस जो है उन्हीं को एलिमेंट्स बोलते हैं, और उन्हीं से एटम बनते हैं। तो 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग 118 एटम्स है। तो ये मन में आ रहा था कि ये 118 एटम होते क्यों हैं, जब सब आप बोल रहे हैं कि एटम जो है एटम से ही सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो एटम से ही अगर सब कुछ बना हुआ है तो सभी, और एटम के ग्रुप होने से सब कुछ बना हुआ है, तो अगर एटम सबका सेम है, सबका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है मतलब जिसे बना वो सेम है, तो सारे मटेरियल भी आसपास में जो है वो भी सेम होना चाहिए। तो ये 118 तरह के एलिमेंट है क्यों, 118 एलिमेंट है क्यों? तो इसके लिए जानना ये था कि क्या एटम रियली में, जैसा कि डेल्टन बोले थे, जॉन डेल्टन जी उन्होंने ही सबसे पहले थ्योरी ऑफ एटम दिया था एक, तो जॉन डेल्टन जो कि एक स्कूल टीचर थे और जिन्होंने सिंबल भी दिया था पहली बार, वो आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था सर्कल वाला। तो जॉन डेल्टन एक बात बोले कि एटम इज इंडिविजुअल, और ये सब मानते थे एटम क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब एटम से छोटा पार्ट है नहीं और कुछ, जिसको मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था कि मान लीजिए आप कोई ईंट लेते हैं और ईंट को तोड़ते जाए ऐसे क्षण पे आए जहाँ पे और नहीं टूटे, वही केस सब मानते थे कि एटम है, वही स्टेज एटम है, यानी अल्टीमेट पार्टिकल मानते थे उसको। तो एटम इज इंडिविजुअल डेल्टन बोले थे, पर अब सबको डाउट हो रहा था क्या रियली एटम जो है इंडिविजुअल है, मतलब एटम को और छोटा नहीं किया जा सकता है, इस पर सबको डाउट था। तो इसी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुआ, कुछ एक्टिविटी भी था जो इस चीज़ को सोचने पे मजबूर करता था। उसमें पहला जो था वो तो यही था कि वाई इफ एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम, अगर सारा एलिमेंट जो है जो कि प्योर सब्सटेंस है अगर एटम से ही बने हैं, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम, सभी बने हुए हैं किससे, एटम से, तब देन वाई 118 एलिमेंट, 118 डिफरेंट एलिमेंट, तब 118 अलग अलग एलिमेंट क्यों हैं, जब सब एटम से ही बने हुए तो सबको एक होना चाहिए। पहला तो ये था, ये मेन आ रहा था। और दूसरा जो हुआ वो, वैसे तो और भी है रेडियो एक्टिविटी चार्ज, पर एक जो हुआ वो हुआ चार्ज के कारण, ठीक है, चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब देखिए, अभी तक हम समझ रहे थे कि मैटर है, ठीक है मैटर है। अब आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे अभी तक, बच्चे बचपन में खूब किए होंगे, कि क्या करते थे हम लोग, एक कंब लेते थे या एक पेन लेते थे, उसको बाल पे थोड़ा सा रब करके, रगड़ करके, और उससे छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करवाते थे, और वो पीस ऑफ पेपर इस पेन में या कंब में चिपक भी जाता था। ऐसा क्यों होता था? अभी तक तो हमको चार्ज के बारे में पता नहीं था, और चार्ज आप फिजिक्स में जानते होंगे, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर के पास जिसके कारण वो किसी दूसरे चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, यानी मैटर जो है वो तो एटम से बना हुआ है, और अभी तक हमको पता नहीं था, हमको पता था कि एटम में तो कोई चार्ज होता नहीं है, और आएगा कहाँ से चार्ज, क्योंकि अभी तक तो हम समझे कि सारा कुछ जो बना रहता है वो एटम से बना हुआ। तो तब से सबको डाउट होने लगा कि नहीं, एटम जो है वो रियली में इंडिविजुअल नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ है, और मे बी वो चार्ज हो, ठीक है, एटम जो बना है वो भी चार्ज हो। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आया कि एटम इज डिविजिबल, एटम भी डिवाइड हो सकता है, एटम भी डिवाइड हो सकता है, डिवाइड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है, एंड इट इज नॉट अल्टीमेट पार्टिकल, ये सबसे लास्ट स्टेज वाला पार्टिकल नहीं है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। इवन एटम, यानी यहाँ तक कि एटम भी, एटम्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, उससे भी छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। और उस पार्टिकल को क्या नाम दे, तो जैसे क्लास के अंदर और हम लोगों का सेक्शन पड़ता है तो सेक्शन, उस सेक्शन के अंदर भी अगर पार्ट करना पड़ता है तो सब सेक्शन, उसी तरह सब मतलब छोटा, तो उसी तरह से ये जो पार्टिकल है, जो स्मॉलर पार्टिकल है जिसे एटम बने हैं, उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल,
एटम के पार्टिकल है ना, तो सब एटॉमिक पार्टिकल. तो व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? तो द पार्टिकल्स फ्रॉम विच एटम्स इज मेड, द पार्टिकल्स फ्रॉम विच एटम्स आर मेड, वो पार्टिकल्स जिससे एटम्स बने हुए हैं, फ्रॉम विच एटम्स आर मेड, फ्रॉम विच एटम्स आर मेड, एटम जिससे बने हुए. और ये आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं. ऑफकोर्स इसके बारे में हम बहुत अभी बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का कैसे डिस्कवरी हुआ, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन ही है, कैसे उसका नाम वगैरह सब कुछ बात करने वाले हैं. ऑफकोर्स सब कुछ बात करें तो हम लोग ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कौन कौन है. तो पहला है एक इलेक्ट्रॉन, कैसा चार्ज होता है वो भी बात करेंगे. एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं कि इन लोगों का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, इन लोगों का खोज कैसे हुआ, इन सब का खोज कैसे हुआ, उसके बारे में अब बात करना हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ दे आर डिस्कवर्ड. तो ये पहला फेनोमेना जो सपोर्ट किया कि एटम डिविजिबल है वो था कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब यही रब किए थे तो क्या हो गया था, जो पार्टिकल था ठीक है, इसका पेपर का और मान लीजिए पेन से किए थे तो पेन का वो अट्रैक्ट कर रहा था. और ये दोनों क्या है, दोनों तो मैटर है और बना किसे है, एटम से. तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते थे कि एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. तो यहीं पे यही जो था एक मेन हम लोग का एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे केमिस्ट्री में थोड़ा अंदर जाने का सबका इच्छा हुआ और सब गए. तो ये बहुत पहले से चल रहा था, वैसे 1900 सब से चल रहा था. और बात क्या हो रहा था वो समझिए. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक चीज़ के बारे में जिसमें एक्सपेरिमेंट हुआ. अभी आप समझिए, हमारे पास जितने गैसेस हैं, जितने गैसेस है, वो गैस क्या मैटर है, जी मैटर है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. मैटर कहे तो तीन स्टेट है, सॉलिड लिक्विड और गैस. तो गैस भी एक, गैस एक मैटर है. अगर ये मैटर है तो क्या मैटर होने के कारण क्या ये एटम से बने हुए हैं, जी जरूर ये एटम से बने हुए हैं. तो मैटर है तो मेडअप ऑफ एटम, मैटर है अगर तो एटम से बने हुए हैं. ओके, ये भी आप समझ, अगर एटम से बने हुए हैं और हम अगर बोले कि एटम है और एटम में कुछ पार्टिकल है, अब इसमें अगर हम एनर्जी अप्लाई करें, किसी चीज़ में एनर्जी अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है, पेपर ही है, यही पेपर है, पेपर पे एनर्जी अप्लाई करेंगे, मतलब उसको हम कोई जोर लगा दें तो पेपर फट जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है. तो यही चीज़ हम लोग अभी करने वाले हैं. हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर अगर पार्टिकल है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज देने वाले हैं, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज देने वाले हैं. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चार्ज देने वाले, इससे क्या होगा कि इसके अंदर में कोई कोई अगर पार्टिकल होगा, गैस के अंदर में अगर कोई पार्टिकल होगा, गैस में तो पार्टिकल दूर दूर रहते हैं ना, तो उसमें अगर पार्टिकल होगा तो वो इधर उधर हो जाएगा. ठीक है, होगा कि नहीं होगा, हाँ होना तो चाहिए. ठीक है, उसका पार्टिकल अलग अलग हो जाना चाहिए. यही किए जे जे थॉम्सन एक साइंटिस्ट थे. हम लोग यही बात करने वाले अब कि कैसे खोज हुआ, किसका, फंडामेंटल पार्टिकल का. ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल का कैसे खोज हुआ, कैसे खोज हुआ. ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. सब एटॉमिक पार्टिकल या कहीं कोई बुक इसी को लिखता है, फंडामेंटल, सब एटॉमिक या फंडामेंटल. फंडामेंटल का मैंने बहुत बार मीनिंग आपको बताया है, एक ऐसा चीज जो किसी पार्टिकल के जन्म होने के साथ ही उसके साथ हो. जैसे फंडामेंटल राइट बोले तो वैसा राइट जो हमारे पास जन्म से ही है. ठीक है, तो जहाँ कोई चीज़ हो और उसके पास वो आ जाए, ठीक है, वही कहलाता है फंडामेंटल. फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, तो वो पार्टिकल जो आते ही मैटर के बनते ही आ गए हैं. ठीक है, मैटर उसके बिना नहीं रह सकता, उसी का बात करने वाले हैं. अब देखिए, तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे जे जे थॉम्सन. ठीक है, कौन थे, जे जे थॉम्सन, इसका पूरा नाम था जॉन जेसफ थॉम्सन. ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया. ऑफकोर्स इनसे पहले एक और थे जो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किए थे, उनका नाम था, अगर आप लिखना चाहें तो सर विलियम क्रूक्स था. ठीक है, विलियम क्रूक्स थे, उन्होंने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, लेकिन इनसे वो डिस्कवरी नहीं हुआ था जो जे जे थॉम्सन किए थे. जे जे थॉम्सन क्या किए थे, आप सुनिए, जे जे थॉम्सन एक ट्यूब लिए थे. ठीक है, एक ट्यूब था, कैसा ट्यूब था, कुछ इस तरह का सिलिंड्रिकल ट्यूब था, सिलेंडर और ऊपर से हेमिस्फीयर, सिलिंड्रिकल कुछ ट्यूब था. और ये जो ट्यूब था, लॉन्ग लंबा सा ग्लास का ट्यूब था, उसमें दो तरफ इलेक्ट्रोड लगा हुआ था. इलेक्ट्रोड तो समझते हैं ना, इलेक्ट्रोड करने का मतलब पोल. ठीक है, जिसमें जैसे बैटरी होता है, एक बैटरी, बैटरी का जो होता है आप देखे होंगे दो टर्मिनल होता है, एक ऊपर में पॉजिटिव इधर निगेटिव. ठीक है, तो इसी चीज़ को इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, एक ऐसा रॉड जो चार्ज कंडक्ट करे. तो दो रॉड लगे हुए थे, अगर पॉजिटिव रॉड रहता है तो आप सुने होंगे कि उसको एनोड बोलते हैं, अगर निगेटिव रहता है तो कैथोड बोलते हैं. तो ये दो इलेक्ट्रोड थे. तो अगर पूछे ये इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूब, एक लॉन्ग जो ट्यूब है, इसमें हम लोग डिस्चार्ज अभी करने वाले. डिस्चार्ज सिंपली मीन्स लॉस ऑफ चार्ज.
ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, एक हाई वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर दिया। अब अगेन आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्यों ये सब कर रहे हैं, तो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हाई वोल्टेज एक सप्लाई इसमें लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे एक पंप था जिससे कि हवा को अंदर बाहर किया जा सकता था, इसको एग्जॉस्ट पंप भी बोलते हैं, ठीक है, एक एग्जॉस्ट पंप था। और इसमें क्या था, इसमें कुछ गैस के एटम्स थे, गैस के एटम, प्रेशर बहुत कम कर दिया गया था, फिर भी गैस के बहुत कम एटम रखे गए थे। क्यों? क्योंकि जितना कम एटम रहेगा उतना अच्छा से ऑब्जर्वेशन होगा। अब कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा और समझिए। अब देखिए ये क्या किए, ये जो थॉमसन का है, इस ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, डिस्चार्ज मतलब लॉस ऑफ चार्ज, क्यों हो रहा है लॉस ऑफ चार्ज वो समझते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब है क्या, कभी कभी पूछ देता है, तो समझिए एक लॉन्ग ग्लास का ट्यूब है, एक लंबा सा ग्लास का ट्यूब है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब जिसमें दो तरफ क्या रहता है, ठीक है, विथ इलेक्ट्रोड्स इन इट, एक लंबा ग्लास ट्यूब जिसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोड लगा रहता है, इलेक्ट्रोड इन इट, या इलेक्ट्रोड लिखे इन इट लिखे, इन इट लिखे, या क्या लिखे, कनेक्टेड टू इट, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू इट, दो इलेक्ट्रोड अपोजिट पोल पे कनेक्टेड रहते हैं। इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, आपको इलेक्ट्रोड का भारी बोल लग रहा है तो मेटल का प्लेट भी बोल सकते हैं, मेटल का प्लेट था, सिंपली इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट था। ओके, ये तो समझे। अब दो चीज़ हम लोग करने वाले हैं, अगेन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, मैं भी जानता हूँ एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, पर ये सब आप जितना अच्छा समझेंगे आपका केमिस्ट्री उतना अच्छा हो जाएगा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको देख लें। अब क्या किया गया, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम कर दिया गया, ठीक है, पहला कंडीशन, प्रेशर वाज लोअर्ड, प्रेशर लोअर कर। अगेन प्रेशर का क्या मतलब होता है, प्रेशर का मतलब होता है अगर फिजिक्स में जाए तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना ज़्यादा पार्टिकल होगा उतना फोर्स लगाएगा, पार्टिकल एरिया तो हम लोग कॉन्स्टेंट रखने वाले, जितना ज़्यादा पार्टिकल होगा उतना फोर्स लगाएगा, जितना कम पार्टिकल होगा उतना फोर्स कम लगाएगा, तो इसलिए प्रेशर कम करने का मतलब क्या है, लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल को लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ही लिखे या एटम्स ऑफ गैस लिखे। आप अगर मेटर ऑफ सराउंडिंग देखे हैं मेरा वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पार्टिकल दूर दूर रहते, तो कम पार्टिकल को हम रखे हैं प्रेशर लो करके, ठीक है, इसमें पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में। अब और इसको बैलेंस कैसे किया, तो यहाँ एग्जॉस्ट पंप था ना, इसका ये काम होता है प्रेशर को मेंटेन करना। उसके बाद हाई वोल्टेज का सप्लाई दिया गया, प्रेशर कितना लो किया गया, तो किसी किसी बुक में डेटा लिखा रहता है, मेरे हिसाब से 0.01 mm of Hg, ये यूनिट है जिसमें प्रेशर को नापा जाता है, यूनिट है ये, प्रेशर का वैसे पास्कल होता है ऐसा यूनिट, पर ये भी एक यूनिट है मरकरी के टर्म में। उसके बाद क्या किया गया, तो इन्होंने एक हाई वोल्टेज सप्लाई लगाया, हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई, ओके, हाई वोल्टेज सप्लाई जब लगाया गया तो कुछ क्या हुआ वो देखिए। जब हाई वोल्टेज सप्लाई लगाए तो मान लीजिए यहाँ एक एटम है, और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बना किसी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, जब इसमें चार्ज दिया गया तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बाहर में घूमते रहता है। अभी आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है और बाहर में घूमते रहता है, ठीक है, इसके बारे में मॉडल के बारे में ऑफकोर्स आगे हम बात करेंगे, पर थोड़ा मोटा तो आपको एजम्पशन करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे समझना है तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो था, जब इस पर इतना एनर्जी आया, एनर्जी कहाँ से आया, ये वोल्टेज से, ठीक है, वोल्टेज भी एक तरह का एनर्जी ही होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर जहाँ इस पर क्या हो गया, इतना ज़्यादा चार्ज आया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके और इधर भागा, इधर क्यों भाग गया सर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी इधर कैथोड लिखा हुआ है, तो आप समझिए इधर से या इधर से कहीं कोई एटम था, यहाँ से भी कोई एटम था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इधर की तरफ भागा, इधर की तरफ ही क्यों भागा, इधर क्यों नहीं भागा, क्योंकि ये एनोड है, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज था इसीलिए इधर से एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर की तरफ जंप कर गया, ये निगेटिव था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे, इसी से नेचर पता भी चला, ठीक है, कि निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल था ये ऐसा पार्टिकल था जो जो बहुत सारा इसी से नहीं निकला, बहुत सारा जितने एटम थे, भले ही कम एटम थे लेकिन इसमें भी बहुत सारे एटम थे, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जो पार्टिकल निकल रहा था, वो कुछ इस तरह से रेडिएशन बनाते हुए किधर चला गया, इधर, इससे पता चला कि एक, अभी तक ये नहीं पता चला था कि इसमें इलेक्ट्रॉन है या कुछ है, अब ये पता चला था कि ये जो रे निकला था एक रे तरह का। अच्छा ये कैसे पता चल गया सर, आपको मन में ये आ सकता है, ये कैसे पता चल गया कि ये इधर से इधर जा रहा है, क्या ये दिख रहा था, जी नहीं, ये रे नहीं दिख रहा था, ये रेडिएशन जो था ये नहीं दिख रहा था, तो दिख क्या रहा था सर, दिख रहा था यहाँ पे एक चमकाने वाला पार्टिकल रखे थे, चमकाने वाला सब्सटेंस रखे थे, चमकाने वाला कहने मतलब एक ऐसा चीज जो लाइट पड़ने पे या कोई रेडिएशन पड़ने पे साइन करे, वैसे को हम लोग बोलते हैं साइनी सब्सटेंस, और यहाँ पे वो था जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड आपको मिलेगा या फॉस्फोरस, जिंक फॉस्फाइड, ये दो ऐसा सब्सटेंस है
जो कि लाइट पड़ने पे चमकता है, तो वो चीज़ यहाँ रखा हुआ था, जहाँ ये यहाँ रखा हुआ था तो इधर से रेडिएशन जो आ रहा था वो इस पे आके चमकने लगा। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे क्या है, जरूर यहाँ पे कुछ आया है, ठीक है, और इधर से ही आया है, क्योंकि पहले ये चमक नहीं रहा था। अगर इसके पास वो चीज़ रहता तो पहले से भी चमकता, लेकिन इस पे अप्लाई किया गया था और बाद में, लेकिन इधर से आ रहा है वो चीज़ इसको चमका रहा है, ये साइन करने लगा। कब? जब इसमें वोल्टेज सप्लाई किया गया। तो इससे ये वो समझे, जैसे थॉमसन जी थे, उन्होंने ये दिया देखा कि जब हाई वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, व्हेन हाई वोल्टेज इज सप्लाइड, हाई वोल्टेज इज वाज सप्लाइड किस में, तो सप्लाई किया गया, सप्लाइड लिखे या अप्लाइड लिखे, तो क्या हुआ किसके बीच में, तो बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड तो समझते हैं, एनोड पॉजिटिव वाला, कैथोड नेगेटिव वाला, बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जब हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया किसके किसके बीच में, बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच में, तो क्या हुआ, तो एक ब्राइट स्पॉट लाइट फॉर्म हुआ, ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट, ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट, लाइट का एक चमकीला जैसा स्पॉट फॉर्म हुआ, वाज फॉर्म्ड, कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, ठीक है, तो उस स्क्रीन पे, ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, कहाँ पे था जिंक सल्फाइड स्क्रीन, आपके मन में आ रहा होगा, तो वो था केप्ट अपोजिट टू कैथोड, कैथोड के अपोजिट में रखा हुआ था डिस्चार्ज ट्यूब। इसके कारण जो ये रे जन्म हुआ, तो इस चूँकि ये कैथोड से जन्म ले रहा था रे, इसीलिए इसको बोला गया कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे। तो कैथोड रे क्या था, वो रे जो एक ऐसा पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था जिसके कारण जो रेडिएशन था, जो रे था, अभी सिंपल रे, वो उसके अपोजिट की तरफ जा रहा था। अब ऑफकोर्स निकल रहा था कैथोड से, जो कि निगेटिव होता है, और जा रहा है किधर, पॉजिटिव के तरफ, यानी ये जो कैथोड रे था वो बना कैसे था, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल से। अगेन इसके बारे में और भी बहुत सारा वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जे.जे. थॉमसन, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ पे ये साइन कर गया, पहला चीज़ तो ये पता चल गया कि कैथोड रे से कुछ पार्टिकल निकलता है और वो किधर की तरफ जाता है, एनोड की तरफ, ठीक है। तो पहला तो ये प्रॉपर्टी कि यहाँ से ये पता चला कि कैथोड रे जिससे बना हुआ है, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ कुछ पार्टिकल, अच्छे से बोले तो मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। वो कैसा है सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आपके मन में आ जाना चाहिए सब एटॉमिक पार्टिकल जो कैसा है, विच आर नेगेटिव इन चार्ज, विच आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव कैथोड जो था, पॉजिटिव एनोड जो था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो था एनोड, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, बिकॉज दे वेर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया किसके तरफ, दे वेर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। अभी आप इसको समझ लीजिए, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको दूसरा जो है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो एनोड की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, इसीलिए क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद और भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक, ये देखने के लिए, वो क्या किए, ये जो कैथोड रे था डिस्चार्ज ट्यूब में, उसके बीच में एक छोटा सा एक मेटल का ब्लॉक रख दिया, आप बोल सकते हैं पेडल रख दिया, तो इसका जो शैडो था, ये शैडो, शैडो यहाँ बन गया, शैडो उसी चीज़ का। तो शैडो कब बनता है किसी चीज़ का, जब वो जो रेडिएशन या ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर ये इधर कैथोड है और इधर एनोड है, तो इधर कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, अगर ये सब्सटेंस रख दिए तो यहाँ पे एक शैडो बन गया। शैडो क्यों बन गया, शैडो तब बनता है जब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, लाइट स्ट्रेट लाइन में, लाइट या कोई रेडिएशन है वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहे। क्यों सर, स्ट्रेट लाइन में क्यों, स्ट्रेट लाइन नहीं चलता रहता तो यहाँ से रे जाके इधर मुड़ जाता, तब तो शैडो बनने का कोई बात नहीं, शैडो तो आपको पता है ना, छाया जिसको बोलते हैं। तो यानी यह पता चला है, दूसरा प्रॉपर्टी कैथोड, आपको प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है, प्रॉपर्टी ऐसा पहला लिख देंगे कि कैथोड रे आर निगेटिवली चार्ज, दूसरा कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे कैसे चलते हैं, तो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलते, ओके, ये भी समझ। और भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जी, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, कि उसके बाद वो एक पैडल रख दिए थे, क्या चीज़, पैडल, इसी के बीच में एक पैडल रखती, पैडल समझते हैं ना, जैसे विंड मिल में रहता है इस तरह का एक पैडल, ये पैडल रख के वो क्या दिखाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि उसके पास एनर्जी भी है क्या, कैथोड रे जो है उसके पास एनर्जी भी है क्या। तो ये पैडल रख दिए तो देखे कि ये पैडल घूमने लगा, ऐसे घूमने लगा,
ठीक है, घूमने लगा तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास एनर्जी है, और घूमने के कारण मोशन के कारण कौन एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, आप जानते ही हैं इसको, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है। मैंने आपको पहले ही चैप्टर में मोशन में को बताया था कि जो, याद कीजिए, सॉलिड में जो होता है वो जब हीट सप्लाई किया जाता है तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है, हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो कैथोड रे, इसका आप रीजन भी लिख सकते हैं एज इट फॉर्म्स शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इट, क्योंकि ये शैडो बना दिया था, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड, तो इसका कारण भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि कैथोड रे हैव काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, आप पहले से जानते हैं, क्यों, बिकॉज द पेडल, वो पेडल जो कैप्ट किया गया था, रखा गया था, पेडल कैप्ट इन देयर पाथ, पेडल कैप्ट इन पाथ, उसके पाथ में जो रख दिया गया था वो रोटेट करने लगा, इन देयर पाथ स्टार्ट रोटेटिंग, स्टार्ट कर दिया रोटेट करना, घूमना, तो इससे पता चला कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और भी बहुत सारा पता चला कि इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का डीप नॉलेज होना चाहिए, पर मैं उसको अभी, तो वो आपके पास अभी है नहीं, वो टेंथ में आपके पास पता चलेगा, ठीक है, तो अभी उसको मैं छोड़ रहा हूँ उस एक्सपेरिमेंट को। अब देखिए, निगेटिव चार्ज तो डिस्कवर्ड हो गया, अब इस पर कितना चार्ज होता है, ये एक्सपेरिमेंट किए थे एक और साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट मिल्कन, आर मिल्कन, ठीक है, आर मिल्कन या रॉबर्ट मिल्कन लिख लीजिए, रॉबर्ट मिल्कन जो थे वो क्या किए थे, चार्ज डबल एल सॉरी रॉबर्ट मिल्कन, ठीक है, कैलकुलेट किए थे चार्ज को, कैलकुलेटेड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोड, ऑन एन इलेक्ट्रोड। ये तो आप समझ गए हैं ना कि कैथोड रे बना किससे, ये चीज़ आप वहाँ से मैं बोल रहा हूँ, शायद लिख नहीं पाया, ये लिख लीजिए आप, कैथोड रे किससे बना हुआ है, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का रियली में अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन्स वर्ड कहाँ से है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो खोज हुआ है, जो वर्ड का निर्माण हुआ वो हुआ है इससे, इलेक्ट्रॉन, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अम्बर, अम्बर अम्बर, ठीक सुनिए, अम्बर, ये एक फसिल है, बहुत सारा ये डी वाला बात है, फसिल है जिसके पास चार्ज होता है, बहुत सारा बात है, वहाँ हम लोग नहीं करने वाले, सिंपली इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है उस चीज़ को जो निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज क्यों था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, काफ़ी है हमारे सब इतना जान। और रॉबर्ट मिल्कन जो थे वो पहला बार कैलकुलेट किए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो एक उनका एक्सपेरिमेंट है, उसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और वो अभी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो CBSE के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा हाई हो जाएगा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो वैसे मैं बाद में उसको बना ही दूंगा। तो उससे वो कंडक्ट किए थे एटोमाइजर वगैरह, बहुत सारी बात है, तो रॉबर्ट मिल्कन चार्ज कैलकुलेट किए थे, और वो चार्ज आया था 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम्ब, आप समझते हैं कोलम्ब, तो समझते हैं ना, कोलम्ब जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है किसका, चार्ज का, तो चार्ज का ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, या यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है, कोलम्ब, कोलम्ब जो है ऐसा यूनिट है चार्ज का, कोलम्ब साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स अगस्टिन कोलम्ब, उन्हीं के नाम पे पड़ा होगा, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम्ब है, ये क्या है, चार्ज है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये सब बातें थी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे खोज हुआ कैथोड रे के द्वारा। अगेन इससे पहले ही एक और साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, उन्होंने ही ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, पर वो इसको इतना अच्छा से ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। चलिए अब उनके बारे में बात कर लेते हैं, ये सब कुछ उन्होंने उसके लिए भी किया था, लेकिन वो उसको नाम नहीं दे पाए थे प्रोटॉन को, ठीक है, उसको वो बाद में दिया हुआ। अब चलिए देखते हैं, ये तो बात हुआ किसके बारे में बात कर लिए, कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। कैथोड रे किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, ये आप कुछ कुछ मैं पॉइंट हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पहला चीज कि कैथोड रे इज निगेटिवली चार्ज, कैथोड रे जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए। किससे बने हुए हैं, तो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स से बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या, कैसा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, निगेटिवली चार्ज होंगे। अच्छा ठीक है, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो वो रॉबर्ट मिल्कन किए थे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम्ब, बहुत छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज है ही नहीं कोई, ठीक है, ये सबसे छोटा चार्ज है, होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि बना ही हुआ है पूरा दुनिया किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, अभी तो आप समझे ना, एटम से बना हुआ है, और एटम किससे बना हुआ है, एटम भी खुद किससे बना हुआ है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी बात कर रहे हैं उससे, तो इससे ज़्यादा चार्ज पॉसिबल होना
है ही नहीं, सबसे छोटा चार्ज है। इसको डिनोट किसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं उसका सिंबल, सिंबल या ऐसे लिखे, डिनोटे नहीं लिखे, तो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई ऊपर में माइनस, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, या आपके सिलेबस में सिर्फ आप ई भी लिख देंगे तो उससे काम चल जाएगा। अब आते हैं किस पे, प्रोटॉन पे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब जो डेल्टन के बारे में बात किए थे हम शुरू में ही, तो उसमें उन्होंने एक और चीज़ बताया था। पहला चीज़ ये बताया था कि एटम इंडिविजुअल है, वो उनका गलत हो गया, लेकिन एक बताया था कि ये जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, एटम्स आर न्यूट्रल, और ये सही बात था क्योंकि हम लोग खुद एटम है और हम लोग में तो ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज है। हम कोई किसी चीज़ को छूते हैं तो क्या करंट लगता है क्या? ठीक है, आप अपने घर में किसी को छूते होंगे तो दोनों को करंट लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। यानी हम क्या है, हम भी एटम से बने हुए और हम भी क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नो नेट चार्ज, कोई नेट चार्ज नहीं, ठीक है। चार्ज तो है क्योंकि अभी देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब इक्वल पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इक्वल पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। इसके लिए जो हमारे ई गोल्डस्टीन थे, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, वो एक एक्सपेरिमेंट किए, और वो उनसे पहले ही कर चुके थे, एक बार पहले ही कर चुके थे, लेकिन वो उस बार उतना गौर नहीं किए थे, और इस बार जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया तो वो उस पर फिर से ध्यान दिए। उनको याद आया सब कुछ कि वो जो किए थे वो थोड़ा सा अपना बदलाव किए, डिस्चार्ज ट्यूब में था वही डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव किए। क्या बदलाव किया, ये वैकेटेड ट्यूब था, वो तो था ही, थोड़ा सा बदलाव वो ये कर लिए कि अपने डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड तो रखे जैसा था, एनोड जो जैसा था वैसा तो रखे ही वो। उसके बाद जो कैथोड था इनका, वो उसको वो परफोरेटेड कर दिया। आप में से किसी किसी को अब ये नहीं पता होगा परफोरेटेड क्या है, परफोरेटेड मतलब होल कर दिए, होल किया दिया, यानी हमारा जो था वो कैसा था, परफोरेटेड कैथोड। किसके केस में, ई गोल्डस्टीन के केस में, उनके केस में नहीं, जे थॉमसन के केस में, इसमें ये परफोरेटेड लिए थे। अब क्या हुआ था, अब इधर से भी देखे कि एक रेडिएशन जा रहा है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि प्रोटॉन नीचे बना हुआ है, उस पर आते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। इससे भी एक रेडिएशन जा रहा है, ये जो रेडिएशन जा रहा है, ठीक है, वो इधर आया और इधर लगा दिया गया था क्या, ठीक है, तो इधर लगा दिया था जिंक सल्फाइड, क्या लगा दिया था, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। अगेन ये क्या हुआ, ये साइन करने लगा, चमकने लगा, साइन करने लगा, मतलब इधर भी कोई रे आया है, ठीक है। अच्छा सर, इसी पे क्यों नहीं करने कर दिया गया, इसी पे रे लगा देते, इसी पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जिंक सल्फाइड लगा देते, पर ये तो पहले से साइन कर रहा था ना, इसे ये प्रूफ नहीं हो पाता, सबको लगता कि कैथोड जो है उसी से निकल रहा है। इसीलिए क्या किया गया, इसके इधर छेद करके और यहाँ साइन कराया गया। वोल्टेज अगेन बहुत ज़्यादा हाई था, प्रेशर उतना ही था, तो क्या हुआ, उसी तरह जिस तरह से कैथोड से आया था, जस्ट लाइक कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे, जिस तरह से कैथोड रे निकला था, किससे, फ्रॉम कैथोड एक रे निकला, और ये ओरिजिनेटेड, एक रे का जन्म हुआ, निकलने लगा किसे, एनोड से, फ्रॉम एनोड। ऑफकोर्स इस रे को क्या बोलेंगे, एनोड, ठीक है, एनोड, और द रे वेयर कॉल्ड, द रे वेयर कॉल्ड वाज कॉल्ड, उस रे जो एनोड से निकला वो क्या हो गया, उसका नाम कॉल्ड एनोड रे। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, आप एनोड रे बोलते हैं क्यों, कैथोड रे बोलते हैं। अब ये एक कैनल से पास किया था, कैनल तो आप समझते हैं ना, जो नाली जैसा होता है उस तरह से, ये परफोरेटेड था, इसीलिए ये एनोड रे जो है, एनोड रे को कैनल रे भी बोलते हैं, एनोड रे आर ऑल्सो कॉल्ड कैनल रे। तो आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी होगा, वाई एनोड रे आर कॉल, या सिंपल ही होगा, या तो वाई एनोड रे इज कॉल्ड कैनल रे, या ये पूछ दिया होगा व्हाट आर कैनल रे। तो एनोड रे जो है, जो कि ओरिजिनेट कहाँ से हुए, एनोड से, वो जो है उन्हीं को कैनल रेज कहा जाता है। आगे एनोड, अब समझते हैं कि एनोड रे या कैथोड रे में थोड़ा सा अंतर। अगेन एनोड रे के पास वो सारा प्रॉपर्टी था जो कैथोड के पास था, मतलब चार्ज सिर्फ अलग अलग था। एनोड रे चूंकि किससे निकले थे, एनोड से, और गए किधर थे, निगेटिव की तरफ, तो एनोड रे वे अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे तभी ना इधर गए थे, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स किसके तरफ, कैथोड। इसका क्या मतलब है कि एनोड रे, एनोड रे हैज निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज था, तभी नहीं निगेटिव की तरफ गए। आपको ये तो पता है ना कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से बने हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन से बने हुए। अब देखिए, अब एटम के बारे में हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। मान लीजिए इसमें प्रोटॉन था और इसमें इलेक्ट्रॉन था, क्या क्या था, प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, बहुत पतला, बहुत कम होता है उसका मास भी, वो भी हम लोग देखेंगे, मास बहुत कम होता है उसका, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला गया, अब इसमें बचा क्या, तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन बचा, और प्रोटॉन के साथ वो एटम बचा, प्रोटॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। अब ये जो एटम है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्यों भैया पॉजिटिव चार्ज क्यों, तो इसको आप इस तरह समझिए, मेरे पास 10 प्लस था 10 माइनस था, ठीक है, मेरे पास 10 प्लस और 10 माइनस था। अभी इस पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है इस पर जीरो। अब मेरे से एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, एक चला गया, तो मेरे पास अब क्या बचा, 10 प्लस और माइनस में कितना, 9 माइनस, तो मेरे पास नेट चार्ज कितना है, प्लस 1, स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस 10 माइनस 9 कितना हो गया, प्लस 1, तो अब प्लस 1, यानी ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोटॉन नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये प्रोटॉन नहीं है, ये एक चार्ज एटम है, ये एक चार्ज एटम है, ठीक है। और इसी के बाद में हम नाम पढ़ेंगे कि चार्ज जो एटम होता है उसी को आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी निकला है एनोड रे, वो एनोड रे प्रोटॉन से नहीं बने, एनोड रे वेयर नॉट अ पार्टिकल, वो एक वेयर नॉट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं है वो, प्रोटॉन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एनोड रे वेयर नॉट प्रोटॉन, दे आर रेडिएशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो एक रेडिएशन है, सिंपली रे है, किसके, ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के, ओके, जो कि कैथोड रे में नहीं था, कैथोड रे सिंपली इलेक्ट्रॉन से बने हुए थे, ये बाद में पता भी चल गया। अब देखिए तो प्रोटॉन क्या है, यहाँ से तो प्रोटॉन का डिफिनेशन क्लियर नहीं हुआ, तो प्रोटॉन वो पार्टिकल है जो कि हाइड्रोजन के केस में निकले, क्या कह दिया नहीं समझ में, समझिए हाइड्रोजन जो होता है उसका आपको उम्मीद है आप याद किए होंगे अभी तक, हाइड्रोजन पहला नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। अब एटॉमिक नंबर समझते हैं ना, जो जिस नंबर में एलिमेंट को अरेंज किया गया है, ठीक है, 1, 2, 3 जो दिया हुआ उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, जिस नंबर के हिसाब से एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है। उसके पास जो है 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सबके पास ज़्यादा ज़्यादा होता है, जैसे हीलियम का ही बात करें तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और भी बहुत चीज़ होता है, न्यूट्रॉन्स भी होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का सिंपल है, जो हाइड्रोजन हम लोग को जनरली पाया जाता है उस हाइड्रोजन का, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। तो अब अगर इस प्रोटॉन में से एक प्लस था एक माइनस था, तो एक माइनस चला ही गया, अब क्या बचा, अब सिर्फ और सिर्फ बचा ओनली प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के केस में जो एनोड रे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रे है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, प्रोटॉन, ठीक है। तो एनोड रे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रे है, हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव पार्टिकल है, देन द पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ एनोड रे आर प्रोटॉन। आपको किसी किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, कि ये क्या सब बता रहे हैं, आपको मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये एक एटम है, इस एटम में ये किसे बना हुआ है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से, अभी तक हमको ये पता चला है। इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गया क्योंकि वो चार्ज बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिए थे, एनर्जी दिए थे, एनर्जी देके इसको लात मार के आप फेंक दिए, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। तो ये जो है, तो अब जो अगर ये फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है ये पार्टिकल, तो अब ये प्रोटॉन है। लेकिन अभी मान लिया मैं हीलियम का केस लेता हूँ, उसमें 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी गया फिर भी 2 प्रोटॉन है, तो वो सीधा सीधा सिंपल सिंपल प्रोटॉन नहीं रहेगा, उसमें प्रोटॉन रहेगा और भी एक पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन रहेगा, वो सब भी रहेगा, तो सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचता है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, जो वो पार्टिकल जो एनोड रे को बनाता है, किसके एनोड रे को, जब गैस हाइड्रोजन ले तब, इस रिसार्ज में बहुत सारा गैस ले सकते थे, लेकिन जब हाइड्रोजन लेते हैं तब वो क्या हो जाता है, एनोड रे। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ले, तो जैसा इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी था सेम ऐसा ही है, और वो एक्सपेरिमेंट भी वैसा ही है। ये पहला चीज, वो बने हुए हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्ट हुए थे निगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ। उसके बाद ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, जैसा उनमें लिखे थे स्ट्रेट लाइन, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पैडल को मूव कर दिए थे सेम रीजन, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके, ये सब बात कर ली। अब यहाँ पे एक बात आती, आप में से किसी किसी को अगर अब भी डाउट है, ठीक है, क्या चीज़ में,
कि वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था वो आप कैसे जानते हैं, वो ये प्रोटॉन से, चूंकि तब तो डिस्कवर नहीं हुआ था, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये पता है, जब डिस्कवर नहीं हुआ था तब कैसे पता चला था कि इसमें सिर्फ प्रोटॉन नहीं है और उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या समझना पड़ेगा, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो। अब ये क्या है, इसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज ठीक है बाय मास, ये एक रेशियो। तो ये जो है चार्ज बाय मास, किसी भी एटम, किसी भी गैस को, अलग अलग गैस को हम डिस्चार्ज ट्यूब में रखे थे, वो याद, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैस को दिया, तो उस केस में चार्ज बाय मास रेशियो जो था, चार्ज बाय मास रेशियो, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे का, फॉर कैथोड रे चार्ज बाय मास रेशियो रिमेंस कॉन्स्टेंट, रिमेंस कॉन्स्टेंट। मतलब कोई भी क्या लो, कोई भी गैस लो इसमें, एनी गैस, किसी किस में, कैथोड के किस में, ठीक है, तो कोई भी गैस लो, तो जो क्या होता था कि E बाय M चार्ज बाय मास रेशियो कॉन्स्टेंट होता था। अब आपको पता है, आपको, और अगर किसी किसी को तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन किसी किसी को और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, तो इसलिए मैं ये नहीं बता रहा था, फिर भी आप समझ ले। लेकिन एनोड रे के केस में जो ये था चार्ज बाय मास रेशियो, वो डिफरेंट था। तो इसी से पता चला कि अब देखिए ये कॉन्स्टेंट क्यों होता था, तो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटोन का मास से बराबर होता ही है, लेकिन चार्ज दोनों पे, इस पे माइनस वन होता है, इस पे प्लस वन होता है, अब मास का अंतर था तो हर में, ठीक है, किसी किसी में इलेक्ट्रॉन का बहुत कम मास होता है तो उसका उतना इफेक्ट नहीं करता था, लेकिन आप धीरे धीरे जानेंगे कि प्रोटॉन का कितना मास होता है। और अगर सिर्फ ये है इसमें, अगर एनोड रे है ये, तो एनोड रे में तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता नहीं था, क्योंकि इससे ये पता चला था, बाद में ये ऑब्जर्वेशन किया था कि इसमें दो प्रोटॉन भी हो सकता है, दो तीन प्रोटॉन भी, तो इसमें चूंकि मास अलग अलग बार अलग अलग हो रहा था, इसलिए ई बाय एम रेशियो एनोड रे का डिफरेंट था, ठीक है, ये कारण था जिसके कारण बाद में समझा गया कि एनोड रे प्रोटॉन से नहीं बना हुआ। ओके, ये तो था किसके बारे में, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे खोज हुआ। अब थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं, और आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, बात करते हैं न्यूट्रॉन कैसे खोज हुआ। चलिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी से, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हम लोग एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, वो क्या है, तो एक मॉडल की। अब ये तो पता चल गया था अभी तक कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही एटम बने हुए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज कैसे, ठीक है, मतलब कैसे है, लाइन के रूप में है, स्फीयर के रूप में है, कैसे है, इसके बारे में बताना था, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे थॉमसन, उनका मॉडल आया, मॉडल तो समझते हैं ना, मॉडल मतलब जो चीज़ हमारे पास रियल में है उसका एक छोटा सा एक दिखाना, एक पिक्चर के रूप में, चाहे वो एक आर्टिफिशियल रूप में, उसी कोई बड़े चीज़ को एक छोटे पैमाने पे दिखाने को मॉडल कहते हैं। तो थॉमसन का पहला मॉडल आया, ठीक है। अब इस थॉमसन के मॉडल में अभी तक क्या खोज हुआ था, अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और साइन देंगे प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन्स खोज हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स खोज हुए थे, और ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों पे, इस पे माइनस वन और इस पे प्लस वन कूलम्ब, ठीक है, माइनस वन और प्लस वन कूलम्ब होता है। ओके, यहाँ तक तो ये पता चल गया था, ये किसे, तो ये उसके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला था। ओके, ये तो पता चल गया। अब देखिए, तो इन्होंने उतना ही इन्फॉर्मेशन से एक मॉडल तैयार किया। थॉमसन का मॉडल क्या बोलता था, थॉमसन के मॉडल के कुछ पोस्टुलेट है, कुछ स्टेटमेंट है। पहला ये बोले कि थॉमसन कि देखिए, उन्होंने एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया, तो इन्होंने एक प्लम पुडिंग लिया, प्लम पुडिंग आपको फोटो दिख रहा होगा, ये क्रिसमस का एक फूड है, ठीक है, एक फूड है, क्रिसमस में एक फूड के रूप में खाया जाता है। इसमें जो आपको ड्राई ड्राई दिख रहा है, ड्राई फ्रूट रहता है, और उसमें और भी बहुत सारे चीज़ों से बना होता है, ये एक फूड है, सिंपली में समझिए। तो इसमें ड्राई फ्रूट जो है कहीं कहीं, उसको ये बोले कि इलेक्ट्रॉन है, और जो इधर उधर उधर पूरा था भरा हुआ, उसको बोले प्रोटॉन। आपके मन में आ सकता है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन को कम वैल्यू क्यों दिए, प्रोटॉन को ज़्यादा वैल्यू क्यों दिए, तो ये भी इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। हमको चार्ज बाय मास रेशियो जो ये था, इसका वैल्यू निकल गया था, और हमको चार्ज भी पता चल गया था। तो चार्ज बाय मास रेशियो उसका अगर मान ले एन, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो मास यहाँ से निकाल सकते हैं ई बाय एम से, तो मास भी निकाल गया था। और जो आप माने कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत कम आया था, कितना आया था, तो 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, इतना कम, ठीक है, −31 kg में जा रहा है। आप समझ लीजिए इसी से कि कितना कम मास है। −31 का वैल्यू आप जानते होंगे, अगर थोड़ा भी एक्सपोनेंट का आपको नॉलेज है तो आप जानते होंगे ये बहुत कम हो जाता है, किसका, इलेक्ट्रॉन। लेकिन यही मास ऑफ प्रोटॉन जब निकाला गया, तो ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन उतना कम नहीं आया जितना इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, तो कितना आया, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो आया था वो लगभग आया था, कितना आया था, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो आया था
1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 के बीच। चिंता नहीं कीजिए, इसको आपको याद नहीं करना, ठीक है, ये आपको दिया ही रहता है इन्फॉर्मेशन, ठीक, इतना आ जाता है। या इसी को हम लोग 1U बोलते हैं। अब ये 1U क्या होता है, इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं या एटॉमिक मास यूनिट AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसी यही आपको पहले बताना है, इसीलिए तब मैंने मास नहीं बताया, मास ऑफ एटम। अब समझे, इसी को AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटम को जो नापते हैं वो इसी यूनिट से नापते हैं, एक प्रोटॉन के यूनिट से। जितना एक प्रोटॉन का यूनिट होता है उसी से नापा जाता है, एक प्रोटॉन का जितना मास होता है। तो इसीलिए जो थॉमसन का मॉडल बनाया उसमें इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा वैल्यू दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बहुत कम मास होता है उसके कंपेरिजन में, जो इसका है वो ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन का, इसलिए वो प्रोटॉन का ज़्यादा वैल्यू दी। तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपने स्टेटमेंट को रखा। पहला क्या बोला, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप इंडिया के हैं तो आप इसको ऐसे समझें कि जैसे आप वाटरमेलन को देखे होंगे ना, तो वाटरमेलन में रेड कलर का एक पार्ट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक वाटरमेलन है उसमें रेड कलर का पार्ट होता है, और रेड कलर के पार्ट के साथ साथ क्या रहता है उसमें, ब्लैक ब्लैक क्या रहता है, तो ब्लैक ब्लैक उसमें सीड्स होते हैं। अगर ये मान ले कि वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन में रेड रेड सब्सटेंस होता है और ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। तो इन्होंने बोला कि वो वाटरमेलन से कंपेयर कर लो जिसमें जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट को मान लो प्रोटॉन, और जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको मान लो इलेक्ट्रॉन्स। ये उन्होंने बोला, ठीक है, ये बोल दिया उन्होंने। तो रेड पार्ट जो थे वो प्रोटॉन थे और ब्लैक इलेक्ट्रॉन्स, तो ब्लैक बहुत कम होते हैं, तो यही कारण यही है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को कम महत्व क्यों दिए। तो अब उन्होंने कुछ इस तरह से अपने स्टेटमेंट्स या पोस्टुलेट बोले को बोला अपने मॉडल में, स्टेटमेंट लिखे या पोस्टुलेट ऑफ थॉमसन मॉडल। पहला ये बोले कि जो एटम है, एन एटम वो किससे बना रहता है, इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जो एटम जो होते हैं, इन एन एटम, एटम में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी ये बोले कि इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसका मतलब दैट मीन्स एटम कैसे होते हैं, एटम्स इज न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी एटम पे नेट चार्ज नहीं होता। और यही कारण था कि हम लोगों को जो जनरली कोई करंट तो नहीं लगता है, लेकिन जब रब करते हैं तो वही एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी पे, निगेटिव चार्ज दूसरे बॉडी पे रह जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये दो मेन बात ये बोले थे, ठीक है। लेकिन इनका जो था मॉडल वो थोड़ा सा डैमेज्ड हो गया, ठीक है, जब एक और साइंटिस्ट, ठीक है, इन्हीं के स्टूडेंट, वो एक और एक्सपेरिमेंट किए, रदरफोर्ड थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें इनका मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ये बात तो सही रहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन ये जो बोले थे कि कैसे भी अरेंज है रैंडमली, ठीक है, वो बात इनका गलत हो गई। तो रदरफोर्ड एक मॉडल बनाए, ये रदरफोर्ड मॉडल क्या बनाए वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मास पे, ठीक है, इस पे एटॉमिक मास पे। अब आप थोड़ा सा एटॉमिक मास को समझ सकते हैं। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आप ये बता सकते हैं कि मास जो होता है एटम का, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम मास है, तो उसके मास को हम लोग मानते ही नहीं है, नेग्लिजिबल मास। तो मास ऑफ एटम, ठीक है, इज मेनली, मास ऑफ एटम होता किसके कारण है, तो इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स, किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रोटॉन्स, ठीक है। पहला चीज़ तो आप ये समझे, क्या समझे, कि मास जो होता है किसका, ठीक है, किसी एटम का। ये आपको थर्ड चैप्टर का ये टॉपिक है एटॉमिक मास। तो मास जो होता है किसी एटम का वो किसके कारण होता है, तो मेनली होता है ड्यू टू प्रोटॉन के कारण, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उसका मास कितना होता है, ओके। अब हम अगर एक पहले बहुत तरीका बना कि एटम के मास को नापने को, ऑफकोर्स हम लोग एटम के मास को हम लोग केजी से या ग्राम से नहीं नाप सकते थे, उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है, कहाँ से लाते हैं इतना छोटा केजी। तो इसके लिए एक ऐसा चीज़ का जरूरत था जो कि उन्हीं के जैसा, ठीक है। अगर हमको, अब समझिए, अगर हमको नापना है कोई बहुत बड़े चीज़ को जो बहुत हैवी है, तो हम लोग आप देखे होंगे दुकान सब में कि वैसा ही चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है, जो हैवी है उसके लिए बड़ा बड़ा हम लोग के पास केजी रहता है, उससे भी बहुत ज़्यादा हैवी है तो उससे किलो को ही दो बार बना दिया जाता है, ठीक है। तो वैसा यहाँ भी काम किया गया, चूँकि ये बहुत छोटा था इसलिए क्या किया गया कि एटॉमिक मास डिफाइन करने के लिए उन्होंने सोचा कि एटम से ही कोई चीज़ लेते हैं, एटम बहुत हल्का है, तो एटम से ही अगर कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो डेल्टन पहले ही बोल चुके थे कि एटॉमिक मास होता है, लेकिन किसके कारण होता है ये नहीं बताया था। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि एटॉमिक मास किसके कारण होता है, मेनली प्रोटॉन के, ठीक है, सभी के पास मास होता है, सभी एटम के पास, ठीक, ओके, ये तो हम समझे।
अब एग्जांपल में हम लोग देंगे क्या तो बताता हूँ। तो पहले जब मास देने का बात था तो अलग अलग चीज़ों से कंपेयर किया, पहले हाइड्रोजन से कंपेयर किया। तो हाइड्रोजन का मास हम लोग बोले हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो उसका वन यू बोला गया कि इससे जितना टाइम है वो हो जाएगा उस एलिमेंट का मास। मतलब एक तरफ समझिए, एक तरफ तराजू पे हम किसको रखने वाले हैं, हाइड्रोजन को, और दूसरी तरफ दूसरे एलिमेंट को, जैसे दो गुना होगा, तीन गुना होगा, चार गुना होगा, जितना गुना होगा अगर इसका हम लोग वन मान लेते हैं, जैसे वन केजी माना जाता है ना, तो मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे वन केजी है, और इसके चार गुना कोई चीज हो जाता है तो क्या बोलते हैं, चार केजी। वैसे हाइड्रोजन के अगर चार गुना हो जाएगा तो इसको चार यू या एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये जो यूनिट है जो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है उसी को बोलते हैं क्या, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके हो रहा था, लेकिन बहुत सारी बातें आई, ऑक्सीजन के साथ फिर कंपेयर करके बोला तो उससे भी नहीं चला, तो बाद में फाइनली कार्बन को चुना गया, ठीक है, कार्बन को चुना गया। अब आप ये पूछ सकते कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्यों हटा दिया गया, तो उसे बहुत सारा मास एक्यूरेट नहीं निकल रहा था, ऑक्सीजन को चुना गया था। ऑक्सीजन का अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप देखेंगे तो 8 होता है, और उसका जो मास होता है वो होता है 16 यू। मास किसके कारण होता है, ठीक है, मास होता है, अभी देखें अभी तक तत्काल जानते हैं कि मास जो होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है मेनली, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 एटॉमिक नंबर से आपको क्या मतलब है, अगर आपको जानना है थोड़ा समझ लीजिए, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं वो दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे आगे। तो एटॉमिक नंबर बार बार जो बोल रहे हैं, तो एक तो आप समझ रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो स्थान दिया गया उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और दूसरा बात क्या बोल सकते हैं कि कितना प्रोटॉन है उसमें, वही चीज़ दिखाता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें 16 यू है। तो बोला गया कि एक तरफ, अब देखो 16 से हमारा काम नहीं चलता, एक तरफ 16 रख देते और दूसरी तरफ दूसरे कंपेयर करते, कोई 31 आता कोई 32 आता, तो उतना काम नहीं चलता। ये बोले इधर इस ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट रख दिए, तो वो तो था ही 16, अब 16/1/16 कितना हो जाएगा, 16 था ही, उसको 1/16 कर दिए तो 1 नहीं आ गया, तो यानी इधर 1 हम लोग रखे और फिर इधर दूसरा चीज़ को कंपेयर करके रखे और काम चले, उससे भी उतना अच्छा नहीं आया, बहुत सारा का गलत आ रहा था। फाइनली कार्बन जो है, ठीक है, जिसको आप अगर याद होगा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का क्या है एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 है मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है और उसका मास होता है 12 यू। अभी मन में आ रहा होगा कि एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन 6 है और एक प्रोटॉन का एक यू होता है तो उसका 6 ही यू होना चाहिए, 12 यू क्यों हो रहा, यही तो कारण था जिसके कारण बाद में एक नए पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ। इंतजार कीजिए, मिलेगा, वो भी पता चलेगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास कितना हो गया, 12 यू। तो अब जो मास चुना गया वो इनके हिसाब से बोला गया कि 1 एएमयू जो होगा, अब छोड़ो बहुत हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अब ये एएमयू 1 एएमयू जो होगा वो कितना होगा, तो मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट वो किसके बराबर होगा, तो ये होगा बराबर 1/12। क्यों 1/12, क्योंकि ये 12 था और इसको कितना बनाना है 1, हमको 1 केजी पता रहता है तो उसे 10 केजी 12 केजी में नाप सकते हैं, पहले से ही 12 केजी या 13 केजी को नापने में बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और हम लोग कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, हम लोग सीधा देखेंगे कितना गुना हो रहा है, 12 गुना 13 गुना, ठीक है, कुछ ही देखना चाहते हैं। तो 1/12 ऑफ किस चीज़ का, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन का बहुत सारा टाइप होता है तो कार्बन 12 लिखा जाता है और अच्छे से, ठीक है, वही क्या कहलाया एएमयू। तो 1 एएमयू अगर जैसे आप जानते हैं 1 केजी जो है वो एक रॉड है जो कि प्लैटिनम इरिडियम का है और फ्रांस में रखा हुआ है, मेजरमेंट मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने बताया, तो उसी तरह से 1 एएमयू को डिफाइन करना चाह रहे हैं जो कि मास जिससे कंपेयर किया जाता है, जो कि यूनिट है, 1 एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, कि एटम के मास को नापने का यूनिट, तो वो किसके बराबर है, तो 1 एएमयू या 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, 1/12 क्यों किया फिर से, क्योंकि इसको 1 बनाना है, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और इसी एटॉमिक मास के यूनिट से सारे एटम का मास कंपेयर किया जाता है, ठीक है। मैंने फिर एक बार लास्ट में और बता दूँ, मान लीजिए हमारे पास यहाँ तराजू है और ये डिजिटल तराजू है, इधर हम लोग 1/12 रखे, ठीक है, किस चीज़ का, कार्बन का 12 का, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। अब इधर रखे हम कोई चीज़, मान लीजिए हम रख दिए किसको, हाइड्रोजन को, तो ये दोनों बराबर हो गया, मतलब 1-1 है दोनों, इधर हम लोग क्या रख दिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का इसका दिखाया डिजिटल है, ये लिखाया 14 टाइम्स, मतलब ये था 1 यू, इसका 14 टाइम यानी 14, तो ऐसे ही सभी एटम्स को मास दे दिया गया। ओके, यहाँ तक तो हम क्या समझे कि मास ऑफ एटम, एटम को कैसे मास दिया गया ये समझे। अब यहाँ पे आप अगर एग्जांपल को गौर से देखें होंगे तो हम एक चीज़ बात की कि मास ऑफ एटम्स अभी तक जो जानते हैं, ठीक है, अभी तक अनटिल नाउ हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रॉन का मास होता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, मास ऑफ एटम होता किसी कारण
मास ऑफ प्रोटॉन के कारण। अब अभी आप एक और चीज बात बोले, क्या बात बोले कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के, मतलब जितना नंबर पे पीरियोडिक टेबल में है उसी का नंबर है प्रोटॉन। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन का, तो ठीक है कि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है यानी एक प्रोटॉन है, तो मास भी 1U है, क्योंकि आप बोले कि 1U को ही हम लोग माने हैं, 1AMU, ठीक है, या 1U मतलब उसी को बाद में यूनिफाइड मास बोलने लगे, यूनिफाइड मास, ठीक है, 1AMU को हटा के बार बार 1AMU को लिखेगा, 1 यूनिफाइड मास। लेकिन जहाँ से हम लोग आगे बात करते हैं, हीलियम से, लिथियम से, लिथियम का जैसे मान लिए, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास है 3, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो एक प्रोटॉन का 3 होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन का 1U होता है, तो 3 प्रोटॉन का 3U, लेकिन हो गया 7U, 6U, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है 6U, 7U, ठीक है। कार्बन ऊपर बात किए थे, कार्बन का खुद, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब 6 प्रोटॉन होगा, तो इसका 12U कैसे होगा। इस सब का बात करने के लिए जरूरत था किसका, एक थर्ड पार्टिकल के एंट्री का, और थर्ड पार्टिकल का एंट्री यहाँ से कैसे पता चल रहा था, एटम तो न्यूट्रल होता है, तो हमारा थर्ड पार्टिकल का प्रिडिक्शन पहले से चल रहा था कि थर्ड पार्टिकल एक और है जिसके पास मास तो होने वाला है लेकिन कोई चार्ज नहीं होने वाला है, मास तो होने वाला है बट नो चार्ज, यानी वो पार्टिकल जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, न्यूट्रल। और इसी से खोज हुआ किसका, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का, नाम भी न्यूट्रॉन ऐसा ही पड़ा क्योंकि न्यूट्रल है। इसका खोज किसने किया था, अभी तक हम जाने कि इलेक्ट्रॉन का खोज जेजे थॉमसन, प्रोटॉन का ईगो लिस्टिंग, और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो कौन किया, किया था, कौन किया था, जेम्स चैडविक, जेम्स कौन, चैडविक। इसके खोज के लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या किए थे, ये सिंपली एक, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में सबसे पहला चीज जो जरूरत होता है वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो देखिए कोई भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम को, तो एलिमेंट का पहले नाम यानी सिंबल, सिंबल देना तो मैंने आपको बता ही चुका है। इधर दिया जाता है मास नंबर, इधर दिया जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स मास नंबर को हम लोग लिख देते हैं ए, और एटॉमिक नंबर को जेड, ठीक है, मास नंबर को ए, जी एटॉमिक नंबर को ए नहीं लिखते, मास नंबर को ए लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर को जेड। ये तो पता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, और ये मास नंबर जो होता है ये होता है, अभी तक आप जो समझ रहे थे मास, वो मास नंबर रियली में मास और मास नंबर में अलग है बात है वो। जैसे हम हाइड्रोजन को लिखना चाहें तो हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1। अगर हम लिखना चाहिए बेरिलियम जिसका चौथा नंबर होता है और इसका मास कितना हो जाता है 9। अगर हीलियम लिखना चाहें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, ठीक है, यानी इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा। थोड़ा सा हीलियम पे बात करते हैं, ये हीलियम जो है इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और कुछ और चीज़। इसमें से मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन यानी 2 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, सिर्फ इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ इसका न्यूक्लियस बचेगा। तो ये जो डबली पॉजिटिव चार्ज, डबल पॉजिटिव चार्ज, डबली पॉजिटिव चार्ज क्या है, हीलियम, इसका एक नाम है। क्यों क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको जेम्स चैडविक जब किए थे एक्सपेरिमेंट उसमें इसका यूज है। डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम जो है, हीलियम एटम उसको बोल देते हैं, इस कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, ए एल पी एच ए, अल्फा तो जानते ही होंगे, अल्फा बीटा है सिंपली ग्रीक का, अल्फा बीटा गामा वैसे पढ़े होंगे, अल्फा पार्टिकल। जब भी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं वहाँ पे प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल से अटैक करवाते हैं, ठीक है, बम्बार्डिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे यही किए, जेम्स चैडविक जो थे वो बम्बार्ड कराए, बम्बार्डिंग यानी सिंपली मैं समझ सकते हैं उसको, दोनों को कोलाइड करवाए, किस किस चीज़ का, बम्बार्डेड बेरिलियम, ठीक है, विथ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के साथ, अल्फा को ऐसे लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्डिंग कराए। तो बेरिलियम था क्या मास, इसका इसका एटॉमिक नंबर 4 और ये 9, इसके साथ अल्फा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 था, इसको जब किया गया तो एक कंपाउंड बना। आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एलिमेंट्स बनता है, थोड़ा सा आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप सिंपली याद कर लीजिए कि जेम्स चैडविक क्या किए थे, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किए थे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बस आप नहीं कर लीजिए। 6 और ये आया एक 12, ठीक है, और इसमें ये जो ना तो बैलेंस हो गया, 6 और 2 4 और 6, ये नहीं बैलेंस हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा एक पार्टिकल बना जिसके पास 9 4 13 और यहाँ 12 1 तो था लेकिन इसमें कुछ नहीं था, ये हमारा प्रिडिक्शन भी था, एक ऐसा पार्टिकल, पार्टिकल विथ विथ क्या 1U मास, एक यूनिफाइड मास जो कि यहाँ आया,
विथ नो चार्ज, और कोई चार्ज नहीं आया, कोई प्रोटॉन या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तभी नहीं इसके पास कुछ नहीं आया, जीरो। तो ये जो पार्टिकल नया आया इसी को नाम दिया न्यूट्रॉन, नाम दिया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। और ये कैसे हो गया पता ही चला आपको, एक बेरिलियम का फॉइल लिए, उस पर अल्फा रे का बम्बार्डिंग कराए, अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग से कार्बन बना और इसका न्यूट्रॉन बना। न्यूट्रॉन इज क्या, न्यूट्रॉन कैसा है? तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, इतना तक समझे। अब चलिए इसी के कारण, अब देखिए आप ध्यान से, आप दीजिए सिक्स कार्बन था, ठीक है। और इसका एक और चीज़, नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, लेकिन मास होता है, कितना मास होता है? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के, यानी 1.6 × 10⁻²⁷ kg मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों लगभग लगभग बराबर होता है। इसी से अब आप समझिए, हाइड्रोजन का अगर, कार्बन तो बिहारों में, हाइड्रोजन का अगर 1U मास था, यानी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन था, लेकिन यही बात करें हीलियम की या उससे आगे चाहे हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। यह है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो इसमें मास 4 कैसे आ रहा था? क्योंकि उतना यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी किसके बराबर था? 2 के, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन का 2U, 2 और न्यूट्रॉन तो 2U, तो इसीलिए 4U था। ओके, जस्ट बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना? 3। अब मुझे उम्मीद है ये सब आप याद किए हुए, ये सब बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। आपको 20 कम से कम याद करना ही है एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से। एटॉमिक नंबर कितना है? 3। मास नंबर कितना है? 7। अब ये कैसे हो गया, ठीक है। तो मास नंबर जो दिखाता है वो कैसे, वो समझते हैं। तो एटॉमिक नंबर 3, तो ठीक है। अब यहाँ पे 3 होना चाहिए, इसके पास 7U है, ये 7 कैसे आया? तो एक 3 तो आया होगा प्रोटॉन से, और 4 किससे आया होगा? न्यूट्रॉन से, तब 7U है। यहाँ से आप खुद भी डिफिनेशन बना सकते हैं मास नंबर का, व्हाट इज मास नंबर, जिसको हम तब से किसे डिनोट करते आए हैं, ऐसे व्हाट इज मास नंबर, तो इट इज सम ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का सम कर दें तो मास नंबर आएगा। अगेन मास नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर एंड एटॉमिक मास वो डिफरेंट है, दोनों मास नंबर एटॉमिक मास इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मास नंबर जो है, मास नंबर ये सिंपली एक मैथमेटिकल नंबर है, एक मैथमेटिकल सिंबल दिखाता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है ये मास है किसी चीज़ का, ये मास है और ये नंबर है। आप इस दोनों में अंतर समझिए, हम यहाँ यू लिख रहे हैं, ये एटॉमिक मास लिख रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ मास नंबर लिखेंगे तो सिर्फ 7 लिखेंगे, तो एडिशनल जो मास आ रहा था किसी चीज़ का, जो 7 हम लोग लिख रहे थे ऊपर में, वो किसी कारण आ रहा था, वो न्यूट्रॉन के कारण आ रहा था, जिसका डिस्कवरी हो गया। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं किसी किसी बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अभी हम पढ़े हैं उसके बीच में एक कंपैरिजन कर लेते हैं एक प्रॉपर्टी की। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लिखते हैं प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा, और यहाँ लिख लेते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स का बात कर लेते हैं किसके बारे में, ठीक है, चार्ज के बारे में। चार्ज, तो चार्ज जो इसमें होता है वो होता है माइनस में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये इसका चार्ज। प्रोटॉन पे अगर बात करें, ये चार्ज की बात करें, प्रोटॉन पे बात करें तो इतना ही होता है, लेकिन प्लस में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इस पे न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, जीरो चार्ज। अब बात कर लेते हैं मास की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, मैंने आपको बताया था 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है। जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻²⁰ kg, या इसी को 1 हम लोग यू या 1 AMU भी बोलते हैं, ये नाम से डिफाइन करता है अपना एक केमिस्ट्री का एक है, ये IUPAC बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल IUPAC, ठीक है। इसको हम लोग, ये कौन डिसाइड करता है कि किसका क्या नाम पड़ेगा, किसका सिंबल पड़ेगा, एक संस्था तो होना चाहिए ना, एक इंस्टीट्यूशन, वो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही डिसाइड करता है किसका क्या नेम होगा, किसका कितना मास होगा, ये सब कुछ डिसाइड इसके द्वारा। और इसका अगर AMU में देखेंगे तो बहुत कम होता है, लगभग लगभग 0.0005 ऐसा ही 5 AMU होता है। न्यूट्रॉन का अगर मास की बात करें तो वो लगभग लगभग किसके बराबर है, ठीक है, लगभग लगभग किसके बराबर है, प्रोटॉन्स के ही,
ये एक कंपैरिजन था किसी किसी बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के प्रॉपर्टी के बीच में। ओके, थोड़ा सा और बात करते हैं, एटॉमिक नंबर, वैसे तो बात कर जो है एक बार और अच्छे से कर लेते हैं किसके किसी बीच में, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच। तो एटॉमिक नंबर सिंपली क्या दिखाता है, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ये दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें, इन एन एटम। जैसे एग्जांपल में बात करें, अगर कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, ठीक है। एग्जांपल कार्बन हैज 6, ठीक है, कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स, सो इसका जो जेड होगा एटॉमिक नंबर वो कितना हो जाएगा, 6। अब आगे बात कर लेते हैं मास नंबर, मास नंबर जो है वो उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ या लिखे टोटल नंबर ऑफ, ये तो लिखे टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, या क्या लिखे सम ऑफ किसका, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। यहाँ पे आप सिंबल की बात कर ले तो यहाँ ही मैं बता दे रहा हूँ सिंबल को, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मेनली लिखते हैं ES इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स छोटा सा PS, न्यूट्रॉन्स NS, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा तरीका अलग अलग बुक में अलग अलग लिखते हैं। ओके, ये बात कर ली हम लोग। रिप्रेजेंटेशन मैंने बता ही दिया था कैसे रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के लिए पहले उसका सिंबल लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मान लीजिए एक्स से दिखाए। यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ देखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, और यहाँ लिखते हैं मास, मास ज़्यादा। अब आप बात कर सकते हैं कि इधर क्यों नहीं, सबके लिए रिजर्व है, ठीक है, सब रिजर्व किया हुआ है अलग अलग पोजिशन। जैसे यहाँ हम लोग अगर कुछ लिखते हैं तो उसको स्क्वायर पढ़ा जाता है, तो यहाँ अगर लिखते हैं तो इसको X2 X3 पढ़ा जाता है, जैसे आप देखेंगे इसको A1 पढ़ा जाता है, इसको A2 पढ़ा जाता है, सब जगह रिजर्व था। यही तो बचा हुआ था जो केमिस्ट्री वाले एक जगह एटॉमिक नंबर और एक जगह मास नंबर देने लगे। यहाँ पे ये क्या है, ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। ओके, जैसे कार्बन है तो कार्बन 6 यहाँ लिख देंगे, 12 यहाँ लिख देंगे। ये था रिप्रेजेंटेशन तक हम लोग अभी बात कर चुके हैं, तीनों चीज़ कैसे डिस्कवरी हुआ, कुछ कुछ प्रॉपर्टी वो सब देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, उसमें हम लोग देखेंगे कि थॉमसन का मॉडल कैसे फेल्योर हो गया था, वो उसके लिए न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होना जरूरी था, जो न्यूट्रॉन को पढ़ाना जरूरी था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो अभी आगे जो है वो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर